आम्रपाली बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाता था। लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को किसी से बयां ही नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियत ने उससे करवाया। इतिहास के सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में आम्रपाली को सदा याद किया जाता है। कहते हैं आम्रपाली बेहद खूबसूरत थी। उसे एक बार जो देख ले वह कभी किसी औरत में दिलचस्पी ले ही नहीं पाता था। यही खूबसूरती आम्रपाली के लिए जी का जंजाल बन गया और कोठे पर लाकर बैठा दिया। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधु जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना था। उस काल में समाज के नीति निर्माताओं ने आम्रपाली को नगर वधु बनाकर कोठे पर बैठा दिया। उन लोगों की राय थी कि किसी एक की पत्नी ना बनाकर नगर को सौंप दिया जाए, इससे गणराज्य की एकता बरकरार रहेगी। आम्रपाली के माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। उसके माता पिता के सामने रोज दर्जनों लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आने लगे, लेकिन उन्हें सभी रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकराना पड़ता क्योंकि अगर वह किसी एक से अपनी बेटी की शादी कर देते तो बाकी लोग उनके दुश्मन बन जाते। इस कारण नगर में युद्ध का माहौल पैदा हो जाता। आम्रपाली की खूबसूरती और उससे जुड़ी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली गणतंत्र में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मत के साथ आम्रपाली को नगर वधु यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता इससे एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधु बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे वैश्या बनाकर छोड़ दिया। नगर के फैसले से आम्रपाली वैशाली की नगर वधु बन गई। आम्रपाली के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी सिर झुकाते और उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आम्रपाली एक आलीशान महल में सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन व्यतीत करती थी। इतिहास के जानकारों का मानना है कि आम्रपाली के पास इतनी धन दौलत थी कि वह अपने क्षेत्र के राजा महाराजा को भी पैसे उधार दिया करती थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।